नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस सेशन में। और सटीक परामर्श की तरफ से ये हम लोगों का एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो पीपी फूड ने फाइनेंस किया है और पीपी फूड की तरफ से है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। और इनका कुछ अपॉर्चुनिटी है जो ये लोगों को देना चाहते हैं मसाले बिजनेस के बारे में, तो उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आप कंपनी के साथ जुड़ के अपने एरिया में मसाले का बिजनेस कर सकते हैं। ये जो ऑफ़र है खासकर आज झारखंड के लिए है कि अगर कोई पूरे झारखंड में मसाले का बिजनेस करना चाहता है पीपी फूड के साथ मिलके, जो कोलकाता का एक काफ़ी फेमस ब्रांड है पीपी फूड और वहाँ के जी बंगला में और बाकी चीज़ों में ऐड भी आता है। इन दोनों पर्सनालिटी को देख रहे हैं आप लोग, ये भी फेमस हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल में और कोलकाता में कॉलोनी में इनका ऑफिस है वेस्ट बंगाल में। वेबसाइट भी ppsupermarket.com पे आप जाकर देख सकते हैं। इनका अपना मॉल वगैरह भी है, तो काफ़ी दिनों से ये लोग मसाले के बिजनेस में हैं, मॉल में भी हैं और इनका अपना खुद का मॉल भी चलता है। तो तीन तरह का ऑप्शन इन्होंने मार्केट में रखा है झारखंड के मार्केट के लिए। अगर आप काम करना चाहें तो तीन तरीके से काम कर सकते हैं। पहला जो है वो है मसाला मित्र के नाम से इनका एक अपना प्रोग्राम है, जिसमें आप मान लीजिए कि 25,000 रुपीज़ का मसाला ख़रीद के अपने एरिया में डायरेक्ट बेच सकते हैं। उसमें आपको किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या मान लीजिए आपको स्टेट का भी किसी का कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाला रहेगा तो उसको कुछ परसेंटेज जाएगा। तो एक ये प्रोसेस है जिसमें आपको कम से कम 8% के आसपास, 6 से 8 के बीच में आपको पे आउट दिया जाएगा। आप बड़े से बड़े कंपनी में जाइए तो आपको 3% से ज़्यादा का मार्जिन नहीं रहता है, मगर यहाँ पे कंपनी ने मिनिमम 6% का मार्जिन रखा हुआ है, जो कि मसाले का बिजनेस में काफ़ी अच्छा मार्जिन है। और अगर मान लीजिए आप महीने में 4 बार रोटेशन करते हैं, 25,000 से चालू करते हैं और माल आपका जल्दी ख़त्म हो जाता है और 4 बार भी रोटेशन करते हैं तो आपका 1 लाख हो गया। तो 1 लाख का अगर 6% होता है तो 6,000-7,000 रुपये होता है, जो कम नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है इस बिजनेस में। और अगर आपका रोटेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है तो चीज़ें और भी बढ़ेंगी। तो इनका प्रोडक्ट बहुत सारा है, आप देखिए चाय है, न्यूट्रिला है, आपका 45 वेराइटी जो है इनका मसाला आता है वो है, तो ये सब प्रोडक्ट के बारे में है। दूसरा इनका जो प्रोग्राम है वो है स्टेट के ऊपर, कि अगर आप पूरा झारखंड स्टेट का CNF लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5 लाख का परचेस करना पड़ेगा। इन कंपनी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेगी, आप कंपनी के पास आइए, ऑफिस में जाइए, फैक्ट्री में जाइए, देखिए सामान कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, 5 लाख रुपीज़ का परचेस कीजिए, सामान लाइए और अपना काम चालू कीजिए। उसमें आपको 5-6% के बीच में मार्जिन रहेगा, क्योंकि अगर आपके नीचे भी कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लीड आएगा तो वो हम आपको देंगे, तो थोड़ा मार्जिन उसको भी शेयर करना पड़ता है कंपनी की तरफ से। और ईयरली टारगेट आपका रहेगा 50 लाख रुपीज़, मिनिमम आपको 50 लाख का धंधा जो है कंपनी के साथ वो करना ही पड़ेगा, माल लेना ही पड़ेगा पूरे साल में। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा जगह है, कम से कम 10 या 12 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी एग्रेसिव है और अच्छा काम हो रहा है, तो आप आराम से वहाँ पे चाहें तो अपना काम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। दूसरा इनका तीसरा एक प्रोसेस है जो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो अमाउंट का बात है वो 1 लाख रुपीज़ का है। आप 1 लाख रुपये में 1 लाख रुपए का सामान खरीद के, इनके पास से सामान खरीद के आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, और उसमें भी मार्जिन आपको 5-7% के बीच में रहता है, यानी डिस्ट्रिक्ट, मसाला मित्र और स्टेट, ये तीनों के बीच में 1-2% के बीच का गैप रहता है, ताकि जो मान लीजिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको थोड़ा बड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो ये तरीके से आप चाहें तो कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे इनका जो वीडियोस है कि फैक्ट्री का भी वीडियो है, क्योंकि दिखाना आपको ज़रूरी है कि कंपनी काम कर रही है तो उसका फैक्ट्री भी है, उसका सेटअप भी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या हैं, बाज़ार से मसाला खरीद के पैक करके बेच देती हैं, मगर इनका अपना खुद का प्रोसेसिंग है
यूनिट है जो इन्होंने मान लीजिए 4-5 करोड़ रुपए खर्चा करके फिर ये मार्केट में आके बिजनेस कर रहे हैं। ये नहीं कि 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया और मार्केट में अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं। आपको जितना भी माल चाहिए, 10 लाख का लीजिए, 50 लाख का लीजिए, 1 करोड़ तक का भी लीजिए, तो फाइनेंशियल पावर है, कंपनी आपको जब चाहे विद इन वीक का टाइम लेके आपको डिलीवरी दे सकती है। तो अच्छा मौका है झारखंड वासियों के लिए, और झारखंड में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो जुड़े कंपनी के साथ और फ्रेंचाइजी ले और काम करें। ऊपर जो नंबर दिया हुआ है झारखंड की फ्रेंचाइजी के लिए 9147, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको आराम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके एग्रीमेंट का जो पेपर है मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे तो कंपनी में कोलकाता भी जाइए, ऑफिस में बैठिए, बात कीजिए, फिर काम कीजिए, देख के तसल्ली हो जाइए और लंबा काम कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पावर है, मैन पावर है और पहले से काम कर रहे हैं तो फिर जुड़िए, या नए हैं, एनर्जीफुल हैं तो भी जुड़िए, आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।